आपकी लव मैरिज थी? लव प्लस अरेंज थी, ऐसी थी। हाँ। बस मैं उस वक्त इतना सेंस नहीं था ना। हमारे साथ एक ऐसा कपल है जिनकी शादीशुदा जिंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन कैसे वो साथ रहे, किसने इस रिश्ते को संभाल के रखा, आइए उनसे कुछ सीखते हैं। कमर गौरी एंड एम सुलेमान 36 साल से माशाल्लाह से इतना प्यारा सा कपल एक साथ है। मैंने तो सोच लिया कि मैंने भी ऐसे बाल करने हैं भाई, है ना, कितने अच्छे गर्ल होके भी कितने अच्छे लग रहे हैं। कैसे आप लोग, ठीक ठाक है जी? अल्लाह का शुक्र। आप लोगों ने मैचिंग किया, आप लोगों ने दोनों ने अहद किया हम डाई नहीं करेंगे बाल जी। अब हम डाई नहीं करेंगे? नहीं, हमारा एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, तो आपने इनकी वजह से बाल डाई तो नहीं करा लिए वाइट? नहीं, इनके बाल वाइट हो गए तो मैंने कहा कि फिर मैं तो इनसे भी छोटी लगती हूँ बहुत। हाँ। तो फिर मैंने कहा मैंने भी इन जैसे ही कर लेने। तो आपने क्या, ये खुद ही हो गया, आपने डाई कराया? नहीं, नेचुरल हैं। अरे वाह, और कितना डिफरेंस है आपका एज डिफरेंस? 15। अच्छा, 15 साल एक जमाने में तो कोई डिफरेंस ही नहीं होता था, तो आज हम लोग कहते कि हाय नहीं ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वो इसलिए कि मैं हाइट वाइज बहुत बड़ी सी थी, तो मैं लगती नहीं थी कि इतनी इनसे छोटी हूँ। हाँ जी। अच्छा, आप दोनों की माशाल्लाह 36 साल जिंदगी एक साथ अच्छे से गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सुनने में आया है। मुझे अगर आप दोनों बताएं कौन सी तीन ऐसी चीज़ें हैं जिसने आपके रिश्ते को मजबूती से जोड़े रखा? तीन ऐसी चीज़ें हैं कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बोलने वाली हूँ और ये खामोश तबीयत। तो एक तो ये हो गया जी। हाँ। कोई एक अगर बोलने वाला है तो दूसरा खामोश तबीयत होना चाहिए, दो बोलने वाले एक बयान में नहीं रह सकते, तो फिर आग लग जाती है ना, है ना जी। फिर कौन सुनेगा जी, सुनने वाला कोई नहीं ना, है ना? वो फिर सुनते हैं मेरी बहुत ज़्यादा। आप बोर नहीं हो जाती जब चुप रहने वाला मियाँ होता है तो बोर नहीं हो जाती? खुद बोल लेती हूँ। आप खुद बोल लेती हैं? सवाल भी अपना, जवाब भी अपना। मैंने इनसे हमेशा कहा कि मैंने 36 इयर्स में ना सवाल भी खुद किया है। हाँ। जवाब भी खुद दिया। हाँ। और ये बैठ के बस सुने, ये वाला पहनू जोड़ा या ये वाला पहनू जी, चले छोड़े आपको क्या पता, यही पहन लेती हूँ। हाँ। यही हिसाब है मेरा। अच्छा, दूसरा ये टिप क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा बहादुर लड़की हूँ, यानी लेडी हूँ। हाँ। इसलिए कि मैंने बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखे। हाँ। अपनी शादी के बाद। क्या क्राइसिस? जैसे ये बैंक में जॉब करते थे ना। हाँ। तो इन्होंने गोल्डन शेक हैंड लिया, उसके बाद फिर बहुत सारे मसले मसाइल। हाँ। तो मैंने अपने बच्चों को भी देखा, इनको भी देखा, इनके घर वालों को भी देखा। हाँ। मैंने कभी इन्हें डाउन नहीं होने दिया। ओके, मोरल अप रखा जी, मैं परेशान नहीं हूँ। हाँ, मैं खुद भी डाउन नहीं होती थी। हाँ। मैं कहती थी हो जाएगा ये काम, हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद बहुत मेहनती हूँ। ओके। हाँ, मैं हर काम कर लेती हूँ। हाँ। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, ब्लॉगर भी हूँ। अच्छा जी। और जो मुझे ऐसा लगता है औरतों को करू होना चाहिए, करू हिम्मत होनी चाहिए। हाँ, हिम्मत से ज्यादा आपके अंदर एक चिंगारी होनी चाहिए, ये स्पार्क। बिल्कुल, मैंने ये करना है। ये स्पार्क आपकी जिंदगी को ना फायर की तरह रखता है। बिल्कुल, जरूरी। हाँ। मुझे हर वक्त ये होता है कि मैं कुछ ना कुछ करूं, आगे बढ़ूं। हाँ। जिस काम के पीछे पड़ जाती है वो करके झक्की है, मतलब जी। मैं भी ऐसी हूँ। आपकी लव मैरिज थी? लव प्लस अरेंज थी, ऐसी थी। हाँ। बस मैं उस वक्त इतना सेंस नहीं था ना, 17 इयर्स मेरी एज थी, तो हाँ। मुझे बस मेरी बहन की शादी हो रही थी तो हाँ। मेरी अम्मी नहीं थी, क्योंकि बहुत छोटी थी मैं जब मेरी अम्मी की डेथ हो गई, तो मैंने नानो ने पाला था, तो मैंने कहा नानो मैंने नहीं रहना, मेरी भी शादी इनके साथ करें, मैं अकेली नहीं रह सकती। बहन को हाँ। बहुत प्यार था हमारा। हाँ। तो मेरी नानो ने कहा चलो उसकी रहने देती हूँ, पहले तुम्हारी कर देती हूँ। हाँ। तो इस तरह हमारी शादी हुई। ये मेरे रिश्ते में मामू लगते हैं। सेकंड कजन, यानी मेरी अम्मी के कजन है। अच्छा अच्छा। तो ये देखने मेरी बहन को आए थे। हाँ। और उसकी मंगनी हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा, मेरी बहन ने कहा कि ये बच गई है इनसे कर लो, मेरी तो मंगनी हो गई। हाँ, बस वो आनन फानन 8 मंथ में हमारी शादी हो गई।